अतीत का नाम इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देश में तो क्या, विदेशों तक में सलाखों के पीछे पहुंच चुके बाबा राम रहीम की सबसे प्रिय हनप्रीत के क्लासिक किस्से पूरी तरह से छाए हुए हैं। वैसे हनप्रीत का जिक्र यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो देश से इस तरह से गायब हो गई हैं जैसे मानो गधे के सिर से सींग गायब हो गई हो। खैर, कयासों के इस दौर में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हनीप्रीत देश छोड़कर पड़ोसी मुल्क नेपाल भाग गई है। आपको तो याद ही होगा कि फिल्मी पर्दे पर राम रहीम के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली हनीप्रीत आजकल तो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको इस बात से भी रूबरू कराते हैं कि हनीप्रीत को नेपाल की राजधानी काठमांडू से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पोखरा नाम की एक जगह पर देखा गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पोखरा के कम से कम 6 इलाकों में हनी को देखा गया है। कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हनीप्रीत ने अपना पुलिया तक बदल लिया है ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके। वैसे हनीप्रीत को लेकर अब नेपाल पुलिस भी एकदम अलर्ट हो गई है। फिलहाल नेपाल पुलिस के साथ मिलकर हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को पकड़ने का पूरा जाल बिछा चुकी है। देखना होगा कि हनी को कब तक पुलिस हिरासत में ले पाती है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।